हेलो स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग वेलकम टू फोर्थ वीडियो ऑन रिलेशन फंक्शन रिलेशन फंक्शन पिछले वीडियो में हम लोगों ने रिफ्लेक्सिव रिलेशन की डिफिनेशन और उस पर एक एग्जांपल को समझा था इस वीडियो में हम लोग सेकेंड टाइप ऑफ रिलेशन इट मीन्स सीमेट्रिक रिलेशन को समझेंगे सो सीमेट्रिक रिलेशन ए रिलेशन आर इज आन ए सेट ए इज सेट टू बी सीमेट्रिक रिलेशन इफ ए कामा बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज दैट डी कामा ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए कामा बी बिलोंग्स टू ए दैट इज ए रिलेटेड टू बी इक्वल टू बी रिलेटेड टू ए फॉर ऑल ए कामा बी बिलोंग्स टू ए क्लियर इट मीन्स कोई एलिमेंट्स ए कामा बी रिलेशन में हो तो बी कामा ए होना कंपल्सरी है तभी वह सिमेट्रिक रिलेशन होगा क्लियर नोट द आइडेंटिटी एंड यूनिवर्सल रिलेशन आर ए नॉन वाइड सेट आर सिमेट्रिक रिलेशन इन अदर वर्ड इफ यक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर देन वाई कामा यक्स बिलोंग्स टू आर सो सिमेट्रिक रिलेशन इट्स क्लियर सपोज इफ एनी रिलेशन इन रिलेशन आर In curly bracket 3 6 comma 7. This is not a symmetric relation because we know that 8 comma 6 8 comma 6 belongs to R, but 6 comma 8 does not belong to R. And second 6 comma 7 belongs to R.

बिलोंग्स टू आर तो बी का मा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए ऐसा नहीं है तो वो सीमेट्रिक रिलेशन नहीं है क्लियर नेक्स्ट टॉपिक ट्रांसटिव रिलेशन ट्रांसटिव रिलेशन लेट ए बी एनी सेट ए रिलेशन आर ऑन ए इस सेट टू बी ए ट्रांसटिव रिलेशन इफ ए कामा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कामा सी बिलोंग्स टू आर देन इट मीन्स इम्प्लाइज दैट ए कामा सी आल्सो बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बी सी बिलोंग्स टू आर इट मीन्स ट्रांसटिव रिलेशन होने के लिए इफ ए कामा बी बिलोंग्स टू आर है तो एंड सॉरी ए कामा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कामा सी बिलोंग्स टू आर ये दो कंडीशन हैं तो ट्रांसटिव होने के लिए ए कामा सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए इट मीन्स फॉर एवरी ए बी सी बिलोंग्स टू आर दिस इज ट्रांसटिव रिलेशन इट्स क्लियर शो नेक्स्ट टॉपिक एंटीसेमेट्रिक रिलेशमेट्रिक रिलेशन लेट ए बी एनी सेट ए रिलेशन आर आन ए इज सेट टू बी एंड एंटी सेमेट्रिक रिलेशन इफ ए कामा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कामा ए बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज दैट ए इक्वल टू बी फॉर आल ए कामा बी बिलोंग्स टू आर Note note if follows from this definition that if a comma b belongs to R but B comma A does not belong to R then also R is an anti symmetric relation but A related to B sorry if A related to B but B not related to A clear इक्विवेलेंस रिलेशन नेक्स्ट टॉपिक इक्विवेलेंस रिलेशन ये टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बोर्ड की एग्जाम में इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करने के लिए या चेक करने के लिए क्वेश्चन आते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन को चेक करने के लिए सबसे पहले हम लोग रिफ्लेक्सिव रिलेशन चेक करेंगे सिमेट्रिक रिलेशन चेक करेंगे और ट्रांसटिव रिलेशन चेक करेंगे ये तीनों रिलेशन पॉसिबल हैं तो वो रिलेशन इक्वी बैलेंस रिलेशन होगा और अगर इन तीनों में से कोई भी एक रिलेशन अनसेटिस्फाई है तो वो रिलेशन इक्वी बैलेंस रिलेशन नहीं होगा क्लियर सो इफ ए रिलेशन कंसिस्ट रिफ्लेक्सिव रिलेशन सीमेट्रिक रिलेशन एंड आल्सो कंटेनिंग ट्रांसटिव रिलेशन देन इट इज कॉल्ड इक्वी बैलेंस रिलेशन इट्स क्लियर ओके तो हम लोग पिछले वीडियो में रिफ्लेक्सिव रिलेशन और इस वीडियो में सीमेट्रिक रिलेशन ट्रांसटिव रिलेशन और एंटीसीमेट्रिक रिलेशन को समझा और इक्वी रिलेशन एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इक्वी रिलेशन को प्रूव करने के लिए हमको रिफ्लेक्सिव रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन और ट्रांसटिव रिलेशन तीनों रिलेशन को चेक करना होगा और तीनों हैं तो वो सॉरी अगर ये तीनों हैं तो वो इक्वी रिलेशन होगा, होगा। क्लियर ओके okay. और रिलेशन की डिफिनीशन को स्टडी करने के लिए पीडीएफ फाइल में हमने पहले ही डिफिनीशन को अपलोड किया है वहाँ से आप लोग डिफिनीसन देख लें यहाँ से लेक्चर सुनकर समझने की कोशिश करें क्लियर सो so, अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में